सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। आज है ग्रैंड मास्टर पुशिंग बीआर में एपिसोड नंबर 1, एंड एपिसोड वाइज एपिसोड आएंगे। थोड़े पीछे से मैचेस में दिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो में ला नहीं रहा था बहुत दिन से, थोड़ा काम था मुझे और इसलिए वीडियो थोड़ी लेट आ रही थी, बट अभी रेगुलर वीडियो आने वाली है जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं तो डालूंगा ही रेगुलर वीडियो, ठीक है। थोड़ा रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा। एंड तो पहले मैच की ओर चलते हैं। सो गाइस, पहले मैच में शुरुआत ही हमारी बहुत ख़राब हुई थी। हमारा खाली एक प्लेयर बचा हुआ था जिसने सोलो डेल लिया और काफ़ी अच्छे दिमाग से हमें रिवाइव करने की कोशिश, पानी में पानी वाली गाड़ी चला दिया, ठीक है, और सोलो डेयर से हमें रिवाइव कर दिया। और रिवाइव होने के बाद मैं इन सेंटर पे उतरा, यहाँ से लूट करके मैं पहुँच गया ब्रिज वाले साइड पर, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट एरा पे होता है ब्रिज पे बंदा था, मैंने उसे फाइट लिया। फिर नीचे वहाँ पर रिवाइव करने एक बंदा जा रहा था और वहाँ पर मैंने उसको मतलब गोली मारने की कोशिश की पर नहीं लगा, तो स्कालर फेंक के उसको मारने की कोशिश की, ऊपर वाले पे एम चला गया इसलिए उससे भी नहीं लगा, फिर नीचे वाले को बाद में लगता है। फिर मैं यहाँ पे ड्रॉप मंगवा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे कवर में ड्रॉप आ रहा था, पीछे मैंने मॉन्स्टर ड्रॉप ऑलरेडी मंगवाई हुई थी, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप लूटने जाता हूँ जिसके अंदर से भाई मुझे 3 कैप्टन मिल जाती है और जो कि काफ़ी बढ़िया है लास्ट जोन के लिए। फिर यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक में हम हमारे दोस्त बैठ के जाते हैं, बाबा वहीं पर अंदर वाले साइड जोन में ही रहता है। मॉन्स्टर ट्रक से जाते हैं घूमते फिरते बंदों के पास, यहाँ पे हमारा दोस्त बंदों के ऊपर मतलब चढ़ा देता है, चढ़ाने की कोशिश। यहाँ पे एक दोस्त हमारे उतर जाते हैं और यहाँ पे बंदा चढ़ा देते हैं किल लेने के चक्कर, क्योंकि मेरा 0 किल था और भाई अगर होता भी प्लस तो मतलब बहुत ही कम होता। अब मैं क्या किया कि इन लोगों को तो मॉन्स्टर ट्रक में बैठना नहीं था, मैं लेके निकल गया भाई। मैं बोला अब मैं मौज करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही मॉन्स्टर ट्रक अपनी घुमाने लगा, दोस्त सुना के बैठ गया था। यहाँ पर मैंने जैसे उसको ठोका और ये लोग मेरे दोस्त ने मेरा किल चोरी कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चोरी करते हैं भाई लोग। फिर मैं ऐसे ही घुमाना स्टार्ट कर दिया, घुमाते यहाँ पर मैं इस साइड पे घुमाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर देखो अंदर के साइड पे एक बंदा है, ठीक है। तो मैंने उस पर स्टार्टिंग में पता है ध्यान नहीं दिया, फिर मैं मॉन्स्टर ट्रक अपनी ऐसी घुमाने लगा, मैंने सोचा कि वो ऐसे ही आके बैठा होगा, बट मैंने बाद में देखा फिर वो वहीं पे था। इस बार मैंने क्या सोच लिया ना कि मैं वापस आता हूँ, इस बार उतर जाऊँगा अचानक से, तो तुरंत M10 से मैंने इसको फिनिश कर दिया और यहाँ पर मुझे पहला किल मिल गया। फिर मैं मॉन्स्टर ट्रक से बैठ के फिर घूमने लगा और यहाँ पर ऐसे घूमते नीचे गिर गया, मैंने यहाँ पर नॉक कर दिया उसको गाड़ी से और किल फिनिश करके फिर मैं गाड़ी में बैठ गया एंड देन मैं भागना स्टार्ट कर दिया। मेन दिक्कत आती है हमें उसके ऊपर थे, इसको तो मैंने ठोका एंड इसको भी मैंने किल ले लिया, क्योंकि मतलब ये गाड़ी पता है गाड़ी फोड़नी पड़ी मुझे, क्योंकि मेरी गाड़ी लेके भाग रहा था। गाड़ी फोड़ने के बाद मैंने इसको दौड़ा के मारा, इसको स्कैलर फेंक करके, इसको मतलब मेरे को किल चाहिए था भाई, बहुत कम किल था। फिर इसको कैसे करके घर के अंदर मारा साइड पे, ठीक है, और यहाँ पे इसका भी किल मेरे को मिल गया, तो मतलब नॉक कर दिया मैंने, फिर किल ले लिया। फिर मैं यहाँ से जाता हूँ और पीछे से ही जिस घर से मैं अभी आ रहा हूँ उसी घर में एक लड़की बैठी हुई थी, ठीक, और लड़की अचानक से फायरिंग करना स्टार्ट करती है। मैं बोलता हूँ माय गॉड इधर से तो मैं आया, और यहाँ पर मैंने क्या ही तो दोस्त का किल चोरी किया, वाइप आउट कर दिया पूरा टीम और मुझे एक नंबर मज़ा आ गया था भाई। सारे बंदे अब जितने बचे थे उनमें से मतलब मोस्ट ऑफ द मतलब ऊपर के साइड पे थे, ठीक है, एक या दो बंदे ही शायद ऊपर थे और 4 बंदे तो हम ही हैं और एक बंदा नीचे साइड पे है। भाई देखो यहाँ पे कितनी हमारी गंदी हालत होती है, मैं कैसे नॉक होता हूँ। मैं उसको ट्रीट मारने के चक्कर में पहले डाक भाई मेरे नॉक हो जाते हैं, फिर मैं नीचे वाले को मारने के चक्कर में ऊपर वाला मेरे को नॉक कर देता है, पता नहीं कैसे कर रहा था। फिर यहाँ से दोस्त रिवाइवर मांग के एंड यहाँ पे मेडकिट मार के मैं निकलता हूँ यहाँ से, एंड नीचे वाले बंदे मर चुके थे और ऊपर एक ही बंदा बचा था, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। मैं सोचा कि अब तो भाई फाइट करेंगे वो वाला मेडकिट वाला, ठीक, लेकिन यहाँ पे बाबा क्या करता है कि पीछे साइड जाके वो वहाँ से बंदे को फिनिश कर देता है, पहला भुया हमारा हो जाता है। चलते हैं अगले मैच पर हम लोग उतरे थे ब्लू जोन में केप टाउन पर और मेरा 0 किल था। यहाँ पर भी मेरे हाथ में सिटी थी, सामने से एक बंदा दौड़ते हुए आया, मैंने उसको 2 गोली मारी और फिर स्काइलर मार दिया। मेरी एसिटी इतनी रिकॉल कर रही थी ना, मतलब मैं मार ही नहीं पा रहा, देखो लास्ट तक वो भाग रहा था, लास्ट में गोली पड़ गई थी 124 की और यहाँ से मेरा ऐसे मैंने पहला किल कर लिया उसको, मेरे दोस्त ने शायद उसको फिनिश कर दिया था। फिर यहाँ पे केप टाउन पे लूट हमने कर ली जितनी करनी थी और यहाँ पे मैं खो ज़्यादा बंदे नहीं थे लास्ट में, वो चल जाते हैं पूरा मैच मतलब ख़त्म करके वहाँ से,
और लास्ट जोन में मेरे को कब से एक बंदा गाड़ी से ठोक रहा था, मतलब कब से किट मार के, और फिर यहाँ से मैं ए डब्ल्यू एम एक ले लेता हूँ यहाँ पर, और एम ए टू भी थी मेरे हाथ में, तो डबल मैंने सोचा ले लेता हूँ, एक ही किल ही था तब से मेरा ठीक। और यहाँ पर फिर मैं मारने की कोशिश करता हूँ, फिर मेरा मोबाइल 10% भी नीचे आ जाता, फिर उसके बाद हैंग मारने लगता बहुत गंदा, क्योंकि 10% उस मोबाइल का वही था कि 10% के नीचे आती हैंग मारती है मेरी मोबाइल। तो कैसे कैसे करके मैंने वहाँ पर भी मैच में जल्दी जल्दी ए डब्ल्यू एम से मारा, और फिर एक भी किल तो मिल नहीं रहा था, बस बंदे को एक दो शॉट भी पड़ रही थी एम ए टू बी की, वो भी आर पार, और ऐसे करके फिर उस मेरा फ्री में मतलब एक के साथ ही भूजिया हो जाता है, जिसमें बहुत बहुत मज़ा आता है। और फिर इसी के साथ बढ़ते अगले मैच की तरफ। इस मैच में मेरे पास था पैराफॉल और थॉम्सन, क्योंकि मैं अभी उतरा ही था ठीक है, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं। मॉन्स्टर ट्रक यहाँ पे बहुत सारी चल रही थी, सामने एक ग्रीम टर्मिनल भी था, मेरे दोस्त ने सारे लोगों को पिकअप कर लिया अपने स्क्वाड के, और फिर यहाँ पे हमने मॉन्स्टर ट्रक चलाना शुरू कर दिया कि मॉन्स्टर ट्रक से ठोकेंगे। देख सकते हो भाई, तीन तीन मॉन्स्टर ट्रक है मेरे सिवा, और एक जीप भी थी देखना यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी एक मॉन्स्टर ट्रक है जो चलना चाहती है, इसको मैंने ठोका और बहुत मज़ा आया भाई। मॉन्स्टर ट्रक के जो ठोकते हैं ना, तो जो मॉन्स्टर ट्रक उड़ती है ना हवा में, बहुत मज़ा आता है। ये देखो यहाँ पे अभी इससे हमारी गाड़ी फंस जाएगी, देखना अभी इस ग्रीन क्रिमिनल वाले मॉन्स्टर ट्रक से, मतलब जो ये बंदा था, इससे हमारी टायर फंस गई थी इसके टायर में, और अभी देखो कैसे छूटती है, उसके बाद इस मॉन्स्टर ट्रक की हालत हुई कि उड़ गया भाई। और यहाँ पर भाई सबसे मज़ेदार बात था, वो ग्रीन क्रिमिनल को मुझे समझ नहीं आया कि वो कहाँ से गिरा है उड़ के, क्या वो मॉन्स्टर ट्रक के अंदर से ही ठोक गया, बस समझ ही नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया भाई वो ग्रीन क्रिमिनल का मुझे ठीक है। वो मॉन्स्टर ट्रक के अंदर से अचानक से उड़ के कहाँ गया, यहाँ पर नेट कर रहा था एक बंदा जिसके डैमेज पड़ रही थी, बहुत चलाक बंदा था, लगा है नेट करने उसमें। हम यहाँ से मुड़ा के अब क्या था उतर जाते हैं, अब यहाँ पे फाइट लेना पड़ेगा, सात बंदे बचे थे, चार हम ही थे, तीन बंदे बचे थे। अब यहाँ पर मैं मारना स्टार्ट करता हूँ, पहले तो ग्रीन सिग्नल को मैं नॉक कर देता हूँ जाके, फिर यहाँ से एक बंदा मुझे बहुत गंदा पीट देता है कट्टा से, यहाँ पर मैं पैक ऑफ हो जाता हूँ, फिर तब तक यहाँ पे एक मॉन्स्टर ट्रक वाला ठोकता है, और उसके बाद मैं अपना किल लेके दूसरे बंदे को भी नॉक करता हूँ ठीक है। यहाँ पे नॉक नहीं मतलब वाइपआउट मार देता हूँ। लास्ट बंदा बचा था, हमारे तीन बंदे बचे थे, उसको मैं मारने की बहुत कोशिश करता हूँ, मूवमेंट दिखा रहा था बंदा, मैं भी ठीक ही ठाक मूवमेंट दिखा रहा था, मैं मूवमेंट जिसे वैसा कस्टम वाला नहीं दिखा रहा था, मुझे क्या कि किल चाहिए, मेरा तीन किल था यार, वो भी किल भाई चोरी कर लिया, इस तरह से मैच बुझा ये वाला भी हो जाता है। गेम के बाद मेरा स्कोर था 4382। सो गाइज, वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई ऐसे एपिसोड सेकेंड एपिसोड भी जल्दी ही आएगा ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, टाटा टेक केयर बाय बाय।